गांव के बगीचे में देसी जुगाड़ से बने जिम में अनूठे डंबल के साथ पसीना बहा रहे युवक युवतियों को देखकर कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। इस जिम में इस्तेमाल होने वाले सारे इक्विपमेंट्स देसी जुगाड़ वाले हैं। जी हां, ये अटपटा है। देसी जुगाड़ से बना जिम सतना में उचेहरा तहसील के गोबरा खुर्द गाँव के युवाओं ने हरे भरे पेड़ों के बीच देसी जिम बनाया है। गाँव के युवा आत्मनिर्भर हो गए हैं क्योंकि जिम के लिए उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ता है। काफी सारे युवा जो हैं वो बाहर पढ़ रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सब यहाँ पर आए वापस। अब उन युवाओं में से कई सारे लोग जाते थे जिम, अब यहाँ पर आए तो जिम के इक्विपमेंट थे नहीं, सारी जिमें बंद थी, ताला बंद था। यहाँ में सतना जाना पड़ता था या उचेहरा, वो भी जिमें लगभग बंद थी। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ हमारा जिम का बनना, तैयार शुरू होना। शुरुआत में कुछ मशीनें थी, थोड़ी बहुत चेस्ट की थी, बैक की थी और डंबल्स वगैरह थे। फिर जैसे जैसे लोग और लोग आए और जुड़े। महामारी के दौर में फैलते संक्रमण की वजह से हेल्थ क्लब और जिम कई महीनों से बंद हैं। ऐसे में सतना के युवाओं ने फिट रहने के लिए जुगाड़ ढूंढ निकाला है, जहां आसपास के गांवों के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां और युवा जिम में पसीना बहाने आते हैं। महिलाओं का हमने शाम को अलग स्लॉट बना दिया है, लगभग 5 से 6 बजे तक वो करती है महिला, सिर्फ महिलाएं इसमें आती है, लड़कियाँ, और सुबह पूरा युवाओं का, वृद्धों का, सब लोग आते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था कि जैसे हम लोग शहर में नहीं जा पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तो यहाँ भाई लोगों ने मिलकर एक बगीचा है वहाँ स्टार्ट किया है, जिम में अपनी बॉडी बनाते हैं हम लोग। मतलब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो शहर में जाके अभी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को पैसों की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, नहीं कर पाते। यहाँ अपनी बॉडी बनाते हैं, सेहत के लिए भी ध्यान रखते हैं। इस जिम में एमपी पुलिस और सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले युवक युवतियां भी आकर अपने आप को फिट कर रहे हैं। यह जिम बिल्कुल फ्री है। कोरोना काल में इस जिम का फायदा यह हुआ कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ ही लोग स्वस्थ हो रहे हैं। छत कर्णवीर का कहना है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और फिजिकल की तैयारी के लिए उसे हर दिन कसरत करनी पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन में जिम बंद हो जाने से उसे तैयारी करने में मुश्किल आ रही थी, जिसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर जनभागीदारी से देसी जिम बनाई गई। ऐसी देसी जिम के शुरू होने से युवाओं के साथ ही बड़े बुजुर्गों को भी बहुत फायदा हुआ है। साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सभी को सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं और वहीं पे अपना पहले थोड़ा बहुत वो करते थे, एक्सरसाइज करते थे। धीरे धीरे जिमें सारी बंद हो गई, हेल्थ भी हम लोग की कमजोर होने लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने ही गाँव पे एक देसी जिम बनाई जाए, तो हम लोगों ने देसी जिम तैयार की। कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए, ऐसे में देसी संसाधनों, बांस, बल्ली, लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, टायर, ट्यूब, बोरा, थैली, बालू, मिट्टी से कसरत करने के सभी उपकरण तैयार किए और लोगों के लिए निशुल्क जिम तैयार किया। 3-4 लड़कों के साथ मिलकर खाली पड़े बगीचे में इसकी शुरुआत की। जब लोगों को धीरे धीरे इस जिम के बारे में पता लगा तो साथ मिलता गया। जैसा कि लॉकडाउन लग गया था कोरोना वायरस के चलते हुए, तो हमने सब लोग जो हम शहर में भी रहते थे, बहुत लोग हमारे दोस्त लोग भी शहर में रहते थे, तो सभी लोग को गांव पर आना पड़ा वापस। सभी लोग जब गांव पर रहते थे तो वहां शहर में हम लोग जिम जाया करते थे। हमने सोचा क्यों ना हम गांव पर भी वर्कआउट करने के लिए कुछ तैयार करें। स्टार्टिंग में हम रनिंग करने के लिए जाते थे, वहीं पुशअप वगैरह करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम देसी जिम तैयार करें। तो हमारा ये जो सागौन का बगीचा है ये हमारा खाली पड़ा था, तो स्टार्टिंग में हमने 5-6 लोग मिलकर स्टार्टिंग कर दी इसकी, जो कि 8-10 दिन में, जो जबकि आधा जिम हमारा तैयार हो चुका था। जब लोगों को पता चला, सभी ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, हमने बताया जिम तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे ग्रुप में लोग बढ़ते गए, इस तरह से हमने ये जिम की शुरुआत की। तो हमने ये बांस बल्ली की सहायता से, पत्थरों की सहायता से हमने ये देसी जिम तैयार की है, जिसमें कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, ये फ्री जिम है। इसमें करीब 10 से 15 दिन लगे हैं, तो काफी सारे हमारे फायदे हो जाते हैं इससे। इम्यूनिटी, जैसे कि कोरोना वायरस के चलते हुए इम्यूनिटी पावर, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हमने सोचा क्यों ना कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम खोलें। बता दें कि इस देसी जिम को बनाने में तकरीबन 15 दिन का समय लगा। अब यहाँ प्रतिदिन 50 के करीब लोग एक्सरसाइज करने आते हैं।
जिम के गांव के अंदर बन जाने से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव में बनाए देसी जिम आत्मनिर्भरता अभियान का भी उदाहरण है। ईटीवी भारत 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।